हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टेक, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सेमेस्टर थर्ड, सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सब्जेक्ट कोड EX303, टॉपिक मूविंग सिस्टम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग सिस्टम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, the moving system should have the following properties. Analog instruments में pointer को move करने के लिए हमें moving system की requirement होती है। अब moving system में कुछ properties हैं, वो हम यहाँ discuss करने वाले हैं। The moving part should be light. Moving part जो भी हम यूज करने वाले हैं वह लाइट वेटेड हों, इट शुड बी लाइट वेटेड, सो देयर इनर्शिया इज लो। द फ्रिक्शन फोर्स शुड बी मिनिमम। मूविंग पार्ट में स्पिंडल होता है, जिसको हम शाफ्ट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर में रोटर को रोटेट करने के लिए जो वर्क शाफ्ट का होता है, शाफ्ट वायरिंग और बुशेस के थ्रू मूव करता है। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट्स में भी मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन और लाइक दिस पार्ट मूव करने के लिए हमें लाइट वेटेड मूविंग सिस्टम चाहिए पड़ते हैं। दीज रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर दैट पावर रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स ऑपरेशन इज स्मॉल। अगर मूविंग पार्ट लाइट वेटेड होंगे, फ्रिक्शन उसमें कम होगा, ऑब्वियसली दे रिक्वायर्ड स्मॉल पावर फॉर मूविंग देम। उनको मूव करने के लिए स्मॉल पावर की रिक्वायरमेंट होगी। द पावर इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द मूविंग पार्ट एंड द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मूवमेंट। मूविंग पार्ट जितनी पावर कंज्यूम करते हैं वह पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मूविंग पार्ट के वेट और मूविंग सिस्टम में अप्लाइड होने वाले फ्रिक्शनल फोर्सेस के। तो मूविंग पार्ट जितना फ्रिक्शनल फोर्स या जितना फ्रिक्शन फ्री होगा और जितना उसका वेट कम होगा, उतना पावर कंजम्पशन कम होगा। और एज वी नो, वी आर डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस, इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड ओनली फॉर मेजरमेंट पर्पस। So it is very required that instrument never be consumed supply system power. जो power circuit में या जो system है उस system में power use हो रहा है, उस power को इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम ना करे, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। बट कुछ पावर तो कंज्यूम करेगा ही करेगा, विदाउट पावर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर सकता। तो यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम पावर इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम करे। इंस्ट्रूमेंट का काम केवल पावर मेजरमेंट का होता है, वोल्टेज मेजरमेंट का होता है, करंट मेजरमेंट का होता है। अगर इंस्ट्रूमेंट खुद पावर वोल्टेज करंट कंज्यूम करेगा
तो जो वो एग्जैक्ट रीडिंग देगा वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सपोज हमें किसी रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज मेजर करना है, बट सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज आर ड्रॉप अक्रॉस द वोल्ट मीटर, सो ओरिजिनल पावर और वोल्टेज कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस द वोल्ट मीटर। सो इट इज वेरी रिक्वायर्ड डैट नो वन इंस्ट्रूमेंट्स आर कंज्यूम्ड पावर और ड्रॉप वोल्टेज और करंट अक्रॉस इट। द मूविंग सिस्टम कैन बी मेड लाइट बाई यूजिंग एल्यूमिनियम एज फॉर एज पॉसिबल। मूविंग सिस्टम कैन बी मेड बाई एल्यूमिनियम डिस्क और एल्यूमिनियम फ्रेम और एल्यूमिनियम मूविंग पार्ट बिकॉज एल्यूमिनियम इज द कंडक्टिंग मटेरियल एंड हैव लाइट वेटेड। सो लाइट वेटेड मटेरियल हैव लो इनर्शिया एंड लो फ्रिक्शन हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम मटेरियल इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शनल फोर्सेस भी कम यूज करते हैं और वेट कम होता है तो वहाँ पर इनर्शिया भी उसका कम होता है। द फ्रिक्शनल फोर्सेस आर रिड्यूस्ड बाई स्पिंडल माउंटेड जेवल बेयरिंग्स एंड बाई केयरफुली बैलेंसिंग द सिस्टम। फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए स्पिंडल को जेवल बेयरिंग्स और बुशेस इनकी हेल्प से सस्पेंड करते हैं। इसके हेल्प से हम उसको इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं विथ प्रॉपर बैलेंस। बैलेंस इसलिए कि रीडिंग सही आए। सपोर्ट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सेवरल टाइप ऑफ सपोर्ट्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड एंड द ऑपरेटिंग कंडीशन टू बी मीट। सपोर्टिंग सिस्टम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड करता है एंड यूज्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट का यूज हम कहाँ करने वाले हैं। सपोज अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज वर्टिकली कंडीशन में और पैनल माउंटेड करने वाले हैं तब वहाँ पर हम ग्रेविटी का भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स आर माउंटेड इन वर्टिकल कंडीशन इन पैनल। बट इंस्ट्रूमेंट्स अगर पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज हम एक टेबल से दूसरी टेबल पर, एक जगह से दूसरी जगह पर, इन बोथ ऑफ कंडीशंस हॉरिजेंटल और वर्टिकल में हम करना चाहते हैं तब वहाँ ग्रेविटी का यूज नहीं कर पाएंगे। ग्रेविटी कंट्रोल हम वहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग सपोर्ट्स का यूज करते हैं। सपोर्ट्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स।
सस्पेंशन, टॉट सस्पेंशन एंड पीवोट एंड जेवल बेयरिंग सस्पेंशन। जनरली दीज थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर एप्लीकेबल इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। सो वी डिस्कस्ड ईच ऑफ देम। फर्स्ट वन इज सस्पेंशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइन रिबन शेप्ड मेटल फिलामेंट फॉर द अपर सस्पेंशन एंड अ क्वाइल ऑफ फाइन वायर फॉर द लोअर पार्ट। सस्पेंशन सिस्टम में हम फाइन रिबन शेप्ड मेटल फिलामेंट यूज करते हैं जो कि अपर सस्पेंशन कहलाता है एंड क्वाइल ऑफ फाइन वायर, बहुत ही पतले पतले वायर की क्वाइल को हम लोअर पार्ट में यूज करते हैं। रिबन शेप में जो मेटल यूज कर रहे हैं हम और जो क्वाइल फाइन वायर की यूज कर रहे हैं, दोनों चीज़ें कंडक्टिंग होती हैं और दोनों का यूज करंट पास करने के लिए होता है, दोनों से करंट पास होगा। द रिबन इज मेड ऑफ अ स्प्रिंग मटेरियल लाइक वेरियम कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्ज। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि रिबन हो या क्वाइल, दोनों चीज़ें कंडक्टिंग मटेरियल की होती हैं। द रिबन इज मेड ऑफ स्प्रिंग मटेरियल लाइक वेरिलियम कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्ज। रिबन वेरिलियम कॉपर का या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ होगा। दिस इज द डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग द सस्पेंशन सिस्टम। आप देख सकते हैं सबसे अपर पार्ट में अपर सस्पेंशन जो कि रिबन का बना हुआ है, बेरिलियम मटेरियल का या फॉस्फर ब्रॉन्ज का, एक कंडक्टिंग पार्ट है। आप लोअर सस्पेंशन देखिए, ये एक क्वाइल दिख रही है आपको, यह भी कंडक्टिंग पार्ट है। तो अपर सस्पेंशन एंड लोअर सस्पेंशन के बिटवीन आप देखेंगे यहाँ पर एक कोर दिख रहा है, एक कोर है, आयरन कोर। इस आयरन कोर के सराउंडिंग एक क्वाइल लगाई होती है, इसको हम फॉर्मर भी बोलते हैं। आयरन मटेरियल का के ऊपर ये फॉर्मर लगाया हुआ है हमने, ए मूविंग क्वाइल। ओवरऑल इस कंस्ट्रक्शन को हम मूविंग क्वाइल भी बोलते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जैसे ही इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर में स्टेशनरी पार्ट होता है, यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, स्टेशनरी पार्ट, इसके बीच में एक रोटेटिंग पार्ट लगा हुआ है, तो इंस्ट्रूमेंट्स में भी रोटेटिंग पार्ट लगा हुआ होता है जिसको रोटेट करने के लिए हमें इसको फ्री टू रोटेट रखना पड़ता है, फ्री टू रोटेट और फ्री टू मूविंग। इसके लिए हमने अपर सस्पेंशन एंड लोअर सस्पेंशन की हेल्प ली हुई है। नेक्स्ट वन इज टॉट सस्पेंशन। अ सस्पेंशन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन ओनली बी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन। इससे पहले जो हमने सस्पेंशन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, आप देखिए इसमें सस्पेंशन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज केवल वर्टिकल पोजीशन में होता है क्योंकि यह ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ऊपर ए यहाँ पर हैंग है, इस पर लटका हुआ है, बंधा हुआ है, इसके थ्रू एक रिबन लगा हुआ है, रिबन के थ्रू क्वाइल लगी हुई है, फिर यहाँ पर लोअर सस्पेंशन लगा हुआ है, ये नीचे बंधा हुआ है। अब अगर हम इसको वर्टिकल पोजीशन की जगह पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर हम इसका यूज करते हैं तब यह वर्क
नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के सस्पेंशन सिस्टम चाहिए पड़ते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। अ सस्पेंशन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन ओनली बी यूज्ड इन वर्टिकल पोजीशन। द टॉट सस्पेंशन हैज अ फ्लैट रिबन सस्पेंशन बोथ अबव एंड बिलो द मूविंग एलिमेंट विथ सस्पेंशन कीप्ड अंडर टेंशन बाई अ स्प्रिंग अरेंजमेंट। टॉट सस्पेंशन फ्लैट रिबन सस्पेंशन होता है जो कि क्वाइल के दोनों साइड अबव एंड बिलो द मूविंग एलिमेंट दोनों साइड लगा हुआ होता है। विथ सस्पेंशन कीप्ड अंडर टेंशन बाई अ स्प्रिंग अरेंजमेंट, और स्प्रिंग की हेल्प से सस्पेंशन सिस्टम टेंशन कंडीशन में होता है। टेंशन मतलब खिंचे हुए होते हैं, अपर साइड से भी खींचा हुआ होगा और बिलो नीचे साइड से उसको खींचा हुआ होगा, जिससे कि क्वाइल इजीली उस पर रोटेट हो सके विथ स्प्रिंग की हेल्प से। द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन इज द एग्जैक्ट लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द मूविंग सिस्टम इज प्रॉपरली बैलेंस्ड। अगर मूविंग सिस्टम प्रॉपरली बैलेंस्ड होता है तो इसमें एडिशनली लेवलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि सस्पेंशन सिस्टम में होती है। सस्पेंशन एंड टॉट सस्पेंशन आर कस्टमरली यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गैल्वेनोमीटर क्लास व्हिच रिक्वायर्स अ लो फ्रिक्शन एंड हाई सेंसिटिविटी मैकेनिज्म। सस्पेंशन टाइप जो सिस्टम होते हैं ये वेरी हाई सेंसिटिविटी के होते हैं। वेरी हाई सेंसिटिविटी के होने का मतलब है कि बहुत लो वोल्टेज और करंट पर भी यह इंस्ट्रूमेंट्स आपको रीडिंग देते हैं। जैसे कि गैल्वेनोमीटर्स में हम यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर्स का यूज करंट और वोल्टेज के वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए नहीं होता। गैल्वेनोमीटर का यूज करंट और वोल्टेज की प्रेजेंस मेजर करने के लिए होता है कि वहाँ पर ये है या नहीं है, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट पर भी आपको करंट और वोल्टेज की रीडिंग डिफ्लेक्शन के फॉर्म में देता है। जनरली गैल्वेनोमीटर का यूज हम नल कंडीशन फाइंड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम ब्रिज पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज इस टाइप से। तो ब्रिज में क्या होता है, हमें एक नल कंडीशन चाहिए होती है। दो पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हमें इक्वल करना होता है। जब पोटेंशियल इक्वल होगा तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टॉट सस्पेंशन। आप देख सकते हैं यह वर्टिकली माउंटेड है, बट सॉरी ये हॉरिजेंटली माउंटेड है। ये भी यहाँ आपको ये स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ ये टॉट वेंड जो हम बात कर रहे थे एक यहाँ लगी हुई, दोनों साइड से लगा हुआ है, और ये टेंशन कंडीशन है मतलब खिंचा हुआ है। इसने इतना टाइट है इस साइड से भी और इस साइड से भी कि यह क्वाइल को हैंग किया हुआ है, क्वाइल को इसने फ्री टू मूव रखा हुआ है। अब इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम हॉरिजेंटल कंडीशन में भी कर सकते हैं, जबकि यह सिंपल सस्पेंशन सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं हो सकता था, वहां हम यूज नहीं कर सकते थे। इसमें दोनों साइड टॉट बैंड लगे हुए हैं, एक पॉइंटर लगा हुआ है, यहां भी वही आयरन का फॉर्मर है, उसके ऊपर क्वाइल लगी हुई है। नेक्स्ट पीवोट एंड जेवल बेयरिंग्स। द मूविंग सिस्टम इज माउंटेड ऑन अ स्पिंडल मेड ऑफ
हार्डनेड स्टील, द टू एंड्स ऑफ द स्पिंडल आर मेड कॉनिकल एंड देन पॉलिश्ड टू फ्रॉम पिवोट। अब यहाँ पर जो स्पिंडल है वह पिवोट पर पिवोट के सपोर्ट में लगे हुए होते हैं, जैसे मोटर में शाफ्ट होती है, शाफ्ट के दोनों साइड बैरिंग्स लगी हुई होती हैं, इसी तरीके से यहाँ पर पिवोट लगे हुए होते हैं। केवल इसके ऊपर स्पिंडल रखा होता है और फ्री टू मूव होता है और कॉनिकल शेप में रहता है। दीज एंड्स फिट कॉनिकल होल्स इन जेवल लोकेटेड इन द फिक्स्ड पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और यह जेवल बैरिंग्स, जिसको हम जेवल बैरिंग्स भी बोलते हैं या जेवल पिवोट्स भी बोलते हैं, इसमें फिट हो जाते हैं और फ्री टू मूव रहते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस भी कम रहता है। दिस इज द डायग्राम फॉर शोइंग पिवोट बैरिंग्स। यहाँ आप देखिए कॉनिकल शेप में एक आपको रखा हुआ दिख रहा है, इसमें ए स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल मीन्स शाफ्ट फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स। ये शाफ्ट है, ये यहाँ पर इस पिवोट पर रखा हुआ है और फ्री टू मूव रहता है। बैलेंसिंग वेट टॉर्क वेट रेशियो, द फ्रिक्शनल टॉर्क इन एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ मूविंग पार्ट। जो फ्रिक्शनल टॉर्क होता है वह मूविंग पार्ट के वेट के ऊपर डिपेंड रहता है। जितना ज़्यादा मूविंग पार्ट का वेट होगा फ्रिक्शनल टॉर्क उतना ज़्यादा लगेगा। इफ द वेट ऑफ द मूविंग पार्ट इज लार्ज द फ्रिक्शनल टॉर्क विल बी लार्ज। द फ्रिक्शनल टॉर्क एग्जर्ट अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। फ्रिक्शनल टॉर्क कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि हम फ्रिक्शनल टॉर्क को निगलेक्ट नहीं कर सकते। फ्रिक्शनल टॉर्क कितना पावर कंज्यूम करता है उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वह कंसिडरेबल अमाउंट में आपको लॉसेस देगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शनल टॉर्क कम से कम रहे। इफ द फ्रिक्शनल टॉर्क इज लार्ज एंड इज कंपेरेबल टू अ कंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शनल टॉर्क टू एन एप्रिसिएबल एक्सटेंट। फ्रिक्शनल टॉर्क इज लार्ज एंड इज कंपेरेबल टू अ कंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम पहले पढ़ चुके हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब होता है पॉइंटर को आगे की डायरेक्शन में मूव करना, जिससे आपको रीडिंग मिलती है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का कुछ अमाउंट फ्रिक्शनल टॉर्क को कंपेंसेट करने में भी कंज्यूम होता है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही तो मूविंग सिस्टम को आगे ले जाएगा, और वह टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फ्रिक्शनल टॉर्क के अपोजिट रहेगा। तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आर कंज्यूम फॉर कंपेंसेटिंग द फ्रिक्शनल टॉर्क। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम विल डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शनल टॉर्क टू एन एप्रिसिएबल एक्सटेंट। मतलब डिफ्लेक्टिंग, जो आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, मूविंग सिस्टम होता है, उसमें फ्रिक्शनल टॉर्क आपका एप्रिसिएबल एक्सटेंट में रहता है। द डिफ्लेक्शन विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द
Equilibrium position is approached and will be uncertain. On the other hand, if the frictional torque is very small compared with the deflecting torque, its effect on deflection is negligible. इसका मतलब है अगर deflecting torque और frictional torque दोनों का कंपेरिजन किया जाए और फ्रिक्शनल टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से बहुत कम हो, तब वहाँ हम फ्रिक्शनल टॉर्क को निगलेक्ट कर सकते हैं. बट अगर फ्रिक्शनल टॉर्क का अमाउंट बहुत ज़्यादा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कंपेरिजन में, तब हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, उसे कंसिडर करना पड़ेगा. The ratio of deflecting torque to frictional torque is a measure of reliability of the instrument indication and is the inherent quality of the design. तो यहाँ से आपको ratio of deflecting torque to the frictional torque, आपको deflecting torque, ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको हमेशा याद रहनी चाहिए. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और फ्रिक्शनल टॉर्क दोनों का रेशियो इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी शो करती है. डिफ्लेक्टिंग, एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड फ्रिक्शनल टॉर्क दोनों का रेशियो इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी को इंडिकेट करती है. और जब हम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं तो इसकी हमें, इस क्वालिटी को हमें चेक करना होता है. द टॉर्क वेट रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. इसी को हम टॉर्क वेट रेशियो भी बोलते हैं. टॉर्क वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और फ्रिक्शनल टॉर्क का जो रेशियो होता है, इसे हम टॉर्क वेट रेशियो भी बोलते हैं, वह इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस इंडेक्स भी होता है. द हायर द रेशियो, अगर ये रेशियो ज़्यादा है, द बेटर विल बी इट्स परफॉर्मेंस. मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा. अब सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपॉन फ्रिक्शनल टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा है. सपोज हम मान लेते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका 10 न्यूटन है और फ्रिक्शनल टॉर्क 1 न्यूटन है, तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तब ये रेशियो बहुत हाई आएगा. मतलब 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10 रहेगा. मतलब यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा इंस्ट्रूमेंट आपका. और वहीं अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू हम 10 न्यूटन लेके चलें और फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू हम 2 न्यूटन लेकर चलें, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 10 अपॉन 2. और 10 अपॉन 2 का मतलब रिजल्टेंट परफॉर्मेंस इज 5. तो उसमें परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, इसलिए टॉर्क बैलेंसिंग वेट या टॉर्क वेट रेशियो बहुत जरूरी होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.